भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष सतीश चंद्र झा के नेतृत्व में सोमवार को किसान यूनियन संगठन के पदाधिकारियों ने नगर मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव को 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विनय शुक्ला ने बताया कि हम लोग आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम में शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन सभी को कैंट थाना क्षेत्र के पैडलेगंज चौराहे पर रोक लिया, जहाँ हम लोगों ने नगर मजिस्ट्रेट को अपना प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र सौंपा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विनय शुक्ला ने कहा, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, 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 राकेश टिकैत जिंदाबाद, 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 महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, अमर रहे, जय जवान, जय जवान। कुमार शुक्ल, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। आज हम लोगों का जो 26 जनवरी के दिन दिल्ली में जो घटना हुई है, उसमें प्रायोजित तरीके से जो गैर किसान संगठनों के द्वारा किया गया है, उसमें जो टिकैत जी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनको वापस करने के लिए और जो MSP है उस पर कानून बनाने के लिए आज हम लोग नगर निगम में धरना कर रहे थे, जिसके संबंध में यहाँ से ज्ञापन दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी गोरखपुर जी के माध्यम से दिया गया है।